नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी को ड्यूटी करना इतना महंगा पड़ गया कि उनकी जान ही चली गई। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात एएसआई जितेंद्र सिंह मंगलवार की सुबह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। दिल्ली के कैंट इलाके में वो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जा रहे टाटा 407 ट्रक को उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को रोकने के बजाय जितेंद्र सिंह को टक्कर मार दी और उसके बाद वो जितेंद्र सिंह को 100 मीटर तक घसीटता ले गया, जिसके बाद जितेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराव करके ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो वही ट्रक ड्राइवर का कहना है कि वो दिल्ली से गुरुग्राम सामान लोड करने के लिए जा रहा था और उसी दौरान जब उसे रोका गया तो उसने रुकने की बजाय जितेंद्र सिंह को ही टक्कर मार दी और जिसके बाद जितेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में बीते दिनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वाहनों की चेकिंग भी लगातार जारी है और ये जो वाहनों की चेकिंग का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उन्हें इस तरीके से मौत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें उनकी ड्यूटी करने दें, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ऐसा करने पर उन्हें घसीटता चला गया, जिससे जितेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, जितेंद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में शोक है, क्योंकि इस तरीके से अचानक किसी ट्रैफिक पुलिस का ऐसे चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वो उस दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें टक्कर मार दी गई। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।